कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते क्योंकि सभी कड़वे विकारी हैं। यहां किसी मनुष्य को हम ये नहीं कह सकते बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट दिखता, बहुत ज्ञानी है, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि लास्ट समय है, कलयुग का भी सब पतित हैं, पांच विकार प्रवेश हैं, कुछ भी करते हैं तो गलत करते हैं, और दिखाई देने में कोई थोड़ा ठीक दिखेगा तो क्या है, एक कहावत है, काम का प्यारा है चाम का प्यारा, मतलब चमड़ी का क्या प्यारा, कुछ काम का हो तभी तो, गुणवान हो तभी तो। इसलिए यहां किसी को भी कहना ये गलत है, क्योंकि महिमा लायक तो शिव बाबा है, जितनी महिमा करनी है उतनी महिमा शिव बाबा की करो। ये भी नहीं बाबा कहते कि किसी ने अच्छा कार्य किया तो उसकी तारीफ मत करो, तारीफ करो उसका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे अंदर वो बात बैठ जाए ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत इसके अंदर क्वालिटीज है, वो अंदर तो बाबा को बैठाना है, क्योंकि कई बार किसी से भी प्रभावित हो जाता है, किसी को भी देखकर, उसके अच्छे कार्यों को देखकर, उसके गुणों को देखकर, शक्ल को देखकर ये चीज गिराती, इसलिए तो बाबा ने कहा बस मुझे ही देखो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो, मेरे से ही बात करो। और ये कहावत भी है, तो बच्चे कहते थे पहले भक्ति मार्ग में, बाबा एक बार आ जाओ, तुम ये संग खाओ, तुम ये संग बैठो, तुम ये संग रास रचाओ, सब कुछ आपके साथ करूंगा, किसी को देखूंगा भी नहीं। और फिर किस किस की महिमा करते हैं, कुछ दिन पहले ही मुरली में आया था कि कोई फोटो देखते हैं अखबार में या कहीं भी, कहते अरे भाई तो बड़ा सुंदर है, इसको तो इनाम मिलना चाहिए। बाबा कहते क्या बोल रहे, इस कलयुगी पतित दुनिया में विकारी रावण के राज्य में कौन अच्छा हो सकता है? हाँ अगर कोई अच्छा है, सीरत भी सूरत भी गुणवान भी है, तो फिर एकदम याद आए कि कमाल है शिव बाबा का, उस बनाने वाले, फिर भी कमाल शिव बाबा, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। आप दादियां उनकी तारीफ पर अलग बात, जो वरिष्ठ हो, जो बाप समान बन चुके हैं, क्योंकि वो तो बनी गए बाप समान, तो हो गए ना मीठे प्यारे, लेकिन किसी मनुष्य को, साधारण मनुष्य के लिए हम ऐसा बोले वो ठीक नहीं। हाँ एप्रिशिएट करना ठीक। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।